मिश्रित मिर्च मसाला बेचने वाले दो आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नीमच जिले की खास खबर। जी हाँ, MA दैलविक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा दो आरोपी गण ज्ञानचंद्र पिता साधुराम रोहिला उम्र 68 वर्ष, सरला पति ज्ञानचंद्र रोहिला उम्र 63 वर्ष, दोनों निवासी 6 गांधीनगर जिला नीमच को अपमिश्रित मिर्च मसाला बेचने के आरोप का दोषी पाते हुए धारा 7/16 एवं नियम 50 खाद्य मिश्रण अधिनियम 1954 के अंतर्गत 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। ADPO विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पदस्थ खाद्य निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह जादौन दिनांक 27/8/2010 को शाम के लगभग 4 बजे निरीक्षण हेतु फर्म विकास एजेंसी जो कि नायका ओली नीमच स्थित है वहां पहुंचे, जहां पर फर्म में अचार, घी, तेल, मिर्च मसाला आदि सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। मिलावट की शंका होने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान बेचने के लिए फर्म में रखे प्रिया प्रीमियम चिली पाउडर के 500 ग्राम के 3 पैकेट नमूना जांच हेतु 114 रुपए नकद भुगतान कर लिए तथा फर्म पर उपस्थित व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम ज्ञानचंद्र रोहिला बताया। वह फर्म का लाइसेंस सरला रोहिला के नाम से था जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रिया प्रीमियम की जाँच खाद्य एवं औषधि प्रशासन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कारी नीमच से कराई, जिसमें मिर्च मसाला अपमिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना बताया, जिसके पश्चात आरोपी गण के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु संबंधी खाद्य निरीक्षक एवं अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराए गए तथा यह तर्क रखा गया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी नीमच की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी गण द्वारा जो मिर्च मसाला बेचा जा रहा था वह मिलावटी था तथा विक्रय दिनांक को आरोपी गण के पास लाइसेंस भी नहीं था। अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गण को धारा 7/16 एवं नियम 50 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के अंतर्गत 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी ADPO द्वारा की गई। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।